वेलकम फ्रेंड्स, हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में एक तरीके के पेशेंट और आते हैं कि उनका दांत टूट गया था चोट लगने के कारण, लेकिन उनको कोई ठंडा गर्म नहीं लग रहा है, ना ही कोई दर्द होता है। और एक दूसरी कैटेगरी है जिनका दांत टूट गया था, वैसे पिछले 5-7 साल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जाके वो दर्द होने लग गया है। और एक और कैटेगरी है जिनको ना ही दर्द लगता है और ना ही ठंडा गर्म लगता है, लेकिन उनका दांत काला पड़ चुका है। तो पहले वाले केस पे चलते हैं, यानी अब आपको दांत के अंदर टूटा है और ना ही ठंडा गर्म लग रहा है, ना ही कोई दिक्कत महसूस होती है। तो इस केस के अंदर आप डायरेक्टली फिलिंग करा सकते हैं या कैपिंग लगवा सकते हैं, आपको रूट कैनाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये गारंटी मैं आपको वीडियो पे नहीं दे सकता, वो एक्सरे करने के बाद ही आपका डॉक्टर आपको बता सकता है। सेकंड सिचुएशन में अगर आपका दांत टूट गया था और आप पहले तो दिक्कत नहीं हुई, अब जाके आपको दर्द होने लग गया, ठंडा गर्म लगने लग गया है, तो इसका मतलब ये है इसको कई बार डिलेड रेस्पॉन्स आता है, यानी बॉडी थोड़े सालों बाद उसका रेस्पॉन्स देती है। अब आपकी नर्व्स जो दांत के बीचों बीच जड़े होती हैं वो इन्फेक्ट हो गई हैं, आप उसका रूट कैनाल करा के आप कैपिंग लगवा लीजिए। एंड थर्ड कैटेगरी आती है कि दांत काला पड़ गया है और उसके बाद वैसे कोई दर्द और ठंडा गर्म नहीं लगा है। तो अगर आपका दांत भी काला पड़ गया है तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर के दांत की जो जड़ें थी वो खराब हो चुकी हैं, उसका जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है वो टूट के अब काला पड़ गया, जिसके कारण आपका दांत दिख रहा है। तो अगर आप बिल्कुल टाइम पे आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस तेजी के आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी आरसीटी करा लीजिए। नहीं तो कई बार ये भी देखा गया है कि उस टूटे जो ब्लैक पड़ा हुआ दांत है उसके नीचे इतनी सारी पस बन जाती है कि साथ वाले दांतों को भी ले डूबती है। तो आपको आरसीटी करानी है इस केस में और फिर से कैपिंग लगवानी है, आपका दांत दोबारे से सेम कलर का हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। And please subscribe our channel.